हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। एक करुणा अवतार आपके दर्शनार्थ आया था, लेकिन मेरी तपस्या शायद अभी अधूरी है, जो आपके दर्शन नहीं हुए। आप कहां हैं भगवान? कहते हैं गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, मुझे गुरु का सहारा चाहिए, मुझे वो दिव्य आत्मा चाहिए जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे इस भव सागर से पार लगा दे। महर्षि, मेरा मन कह रहा है आपका शिरडी में प्रकट होना केवल मेरे उद्धार के लिए हुआ है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए महर्षि, मुझे इन चरणों में स्थान दे दीजिए। लक्षा, वो नीम के पेड़ के नीचे जब योगी बैठता था तो अपने लिए कितना अच्छा था। अरे हाँ, गांव वाले उसके लिए क्या क्या लाते थे? केले, खिचड़ी, लड्डू, मिठाइयाँ, क्या क्या लाते थे। अरे वाह, ये पेटू को सब याद है? ये पेटू ही तो सब कुछ खाता था। ए गोटिया, तुम सब भी तो मेरे साथ खाते थे, बेचारा योगी तो कुछ खाता ही नहीं था। जब से वो योगी गया है मेरा वजन भी कितना घट गया, देख मेरा पेट भी कितना अंदर चला गया। अरे हाँ यार, इसका पेट तो सचमुच अंदर चला गया है। मेरी टोपी, अरे मेरी टोपी, अरे देना मेरी टोपी, मेरी टोपी देना, अरे मेरी टोपी, मेरी टोपी देना, अरे मत कर ऐसे, मेरा टोपी देना, देना मुझे वापस दे मुझे, मेरी टोपी, अरे देना मेरी टोपी देना, अरे वापस देना। चलो सबको बताते। चलो चलो जल्दी करो। चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार हो गया। भूत है, भूत है, अबे भूत है। हाँ। अरे अरे क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? शेर पीछे लग गया क्या? क्या हुआ बच्चों? चमत्कार, चमत्कार हुआ पुजारी जी। चमत्कार? हाँ, अचानक रोशनी हुई, उसमें से साधु प्रकट हुए। क्या? आई शब्द, आप जाकर देख लो, वो जंगल में ही है। हाँ, वो उधर ही है, चलिए चलिए। कहीं कहीं योगीराज तो फिर से प्रकट नहीं हो गए? चलिए चलकर देखते हैं। चलो देखते हैं। ए करुणा अवतार, आपके दर्शनार्थ आया था, लेकिन मेरी तपस्या शायद अभी अधूरी है, जो आपके दर्शन नहीं हुए। आप कहां हैं भगवान? पुजारी जी, वो देखिए। हाँ हाँ, वही है, वही है, हाँ, है, हाँ, ये हाँ, है, वही है पुजारी जी। प्रणाम महात्मन। कल्याण मस्तु। आप जैसे सत्पुरुषों के आगमन से आज शिरडी धन्य हो गई। नहीं मालसपति, शिरडी तो उसी दिन धन्य हो गई थी जिस दिन इस नीम के पेड़ के नीचे भगवान का करुणा अवतार प्रकट हुआ था, किंतु अब शिरडी खाली है। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर तो है, मंदिर में भगवान नहीं है। आप अवश्य कोई दिव्य विभूति हैं प्रभु, मुझ जैसे सामान्य इंसान को आपने। तुम सामान्य कैसे हो सकते हो वत्स, जिन्हें करुणावतार का सहवास मिला हो
वो तो स्वयं पूजनीय हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। क्या रघुनाथ राव सोनार के इस बेटे मालसापति को आपकी पूजा और आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? मालसापति, तुम्हारा आतिथ्य अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु तुम करुणा अवतार के इस पवित्र स्थान की पूजा करने आए हो, इसलिए पहले इसी स्थान की पूजा करो। जैसी आज्ञा महर्षि। महर्षि है काकी। सुना है वो प्रकट हुए हैं? नहीं नहीं, मैंने उन्हें सूर्य से सीधा जंगल में उतरते देखा है। सूरज से उतरते? नहीं नहीं चाची, वो ऋषि हवा में से पैदा हो गया। गोडिया, वहाँ जंगल में जो पेड़ था वो अचानक गायब हो गया और एक ऋषि आ गया। अब कहाँ है वो ऋषि? पुजारी जी उन्हें अपने साथ खंडोबा मंदिर लेकर गए है। महर्षि, आपने इस खंडोबा मंदिर में आकर हमें अनुग्रहित किया है। अनुग्रहित तो मैं हुआ हूं मालसापति, जो मुझे खंडोबा के दर्शन हुए। विराजिए ऋषिवर। महात्मन, हम सब आपका परिचय जानने को उत्सुक हैं। मैं महर्षि आदित्यनाथ और माता वैश्वी का पुत्र हूँ, अवलश। महर्षि अवलश, हम आपकी क्या सेवा करें? सेवा तो मैं उस करुणा अवतार की करने आया था। महर्षि जी, आपने कैसे जाना कि शिरडी में भगवान के अवतार ही आए हैं? मैं पिछले 2000 वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा हूं। तप करते समय मुझे संकेत मिलने लगे। मुझे दिखाई दिया कि आध्यात्मिक किरणों ने विश्व को घेर लिया है। मैं समझ गया कि मृत्यु लोक में मानव के दुख हटने का समय आ गया है। फिर महर्षि, एक दिन प्रातः काल जब मैं सूर्य देव को अर्घ दे रहा था, तभी मैंने देखा कोई महान विभूति धरती पर उतर आई थी। संसार के कल्याण के लिए ईश्वर ने अपना अवतार धरती पर भेज दिया था। मन में बहुत लालसा हुई कि जाकर दर्शन करूं, किंतु उस समय मैं अनुष्ठान में था। जो आत्मा यहां पधारी है उसे मैंने देख लिया था, किंतु मैं अनुष्ठान बीच में छोड़कर नहीं आ सका। और जब अनुष्ठान पूरा करके यहां आया
तो बहुत विलंब हो चुका था। जिसके लिए यहां आया वो यहां से जा चुका था, क्योंकि जो ऊर्जा मुझे हिमालय में मिल रही थी यहां आने के बाद नहीं मिली। जो तेज मुझे दिखाई दे रहा था यहां शिरडी आने के बाद कहीं दिखाई नहीं दिया। करुणा अवतार यहां से जा चुके थे। क्यों क्यों गए वो हमें छोड़कर? नहीं भाईजा, नहीं। पूछने दो मुझे महर्षि से। मैं जानना चाहती हूँ, क्यों मुझे जानने नहीं देते? पूछने दो। नहीं भाईजा, चलो चलो। कुछ प्रश्न है मन में मालसापति? महर्षि, इतने महान आत्मा इस छोटे से शिरडी में? आप नहीं जानते मालसापति, सत्युग में ये जो प्रदेश है तपोभूमि हुआ करता था। साधुओं की, तपस्वियों की, गौतम जैसी बड़ी बड़ी पुण्यात्माओं की धरती थी। ये जो करुणा अवतार यहां प्रकट हुए हैं उसका भी कारण है। क्या कारण है महर्षि? जो उनके गुरु थे वो भी यही तपस्या करते थे। शिरडी में? हाँ, इसी स्थान में, वही स्थान जो आपने देखा भी है। कलयुग में भी ये धरती आज के तपस्वियों और साधकों को प्रिय है। तभी तो संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम और संत रामदास जैसी विभूतियों ने भी इस भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया। सत्य में ये प्रदेश इस देश का तपोवन है। आगे चलकर ये प्रदेश महाराष्ट्र कहलाएगा। हीरो, तेरी उम्र कितने साल की है? बैदी, मेरी उम्र तो पता नहीं, मेरे तोते भाई की उम्र 14 साल की है। बस, तुझे नहीं पता है? इस गांव में एक ऋषि आकाश से उतर के आया है। उसकी उम्र 2000 साल है। आपने ठीक तरह से सुना नहीं होगा, असल में उस ऋषि ने अपने पिछले 100 जन्मों की उम्र जोड़ के बता दी होगी। सरपंच से पूछो वैद्य जी, ये भी उस 2000 साल वाले ऋषि के दर्शन करके आ रहे हैं। गपरे मुर्दिया, ये जो तेरी हाथ भर लंबी जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है, एक ही झटके में काट कर तेरे हाथ में रख दूंगी। हाँ, और ये मेरा वैद्य, ये वैद्य भी उसे वापस नहीं लगा सकेगा। सांगुन ठहते। हाँ, अरे वैद्य जी, आपने क्या सब साधु संतों का उपहास करने का ठेका लेके रखा है? राम राम राम, सरपंच जी, आप हम पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे हमने तो नहीं भेजा ना उसे, जिसे तुम अपना बेटा मानते हो। अरे वो बिना बोले यहाँ से चला गया, उसमें हमारा क्या दोष है? हैं? वैद्य, वो योगी तो अवतार है, अवतार। करुणा अवतार। हाँ। महर्षि अवलश का ये कहना है, जो 2000 साल से हिमालय में तपस्या कर रहे थे। हैं? कितने साल से? 2000 साल से। और कितनी दूर दृष्टि है उस महर्षि की, जो हिमालय की ऊंचाई से सीधा शिरडी में नजर गई उनकी। और एक हम है जो यहाँ से हिमालय की चोटी तक नहीं देख सकते। इसीलिए तो वैद्य है आप, वैद्य। महर्षि नहीं है वैद्य। वीरू देबू, जाओ जाओ और सारे इलाके में ढिंडोरा पीट दो, करुणा अवतार आए हैं शिरडी में, आओ और ले लो उनसे करुणा। जय हो, जय हो। करुणा अवतार।
कौन है ये महर्षि अवलश? वैदिक कुलकर्णी कह रहे थे प्रभु कि उनकी उम्र 2000 साल से ऊपर है। नाटक। आपकी उम्र तो उनसे ज्यादा होगी भगवान। आपको करुणावतार क्यों नहीं कहते? चुप रहो। जब वो लड़का शिरडी से गया तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई, लेकिन नहीं। चिंता और चिता दोनों सगी बहनें हैं। एक जिंदा जलाती है, दूसरी मरने के बाद। मजाक बंद करो तुम लोग, और पहले उस महर्षि अवलश का मुंह बंद करने का सोचो। अभी तो उस योगी को अवतारी कह रहा है वो, बाद में भगवान बतलाएगा उसे। मुझे तो लगता है ये उस योगी लड़के की सोची समझी चाल है। कैसी चाल? वो वापस शिरडी आने का सोच रहा होगा, इसलिए उसने पहले से ही अपने हक का माहौल बनाने के लिए इस अवलश ऋषि को भेजा है। ऐसा है तो लड़का बहुत चालाक है। अच्छी चाल चली है उसने, लेकिन पहले तो मैं उसे शिरडी में आने ही नहीं दूंगा। और किसी तरह वो शिरडी में आ भी गया तो यहां जमने नहीं दूंगा उसे। भगवन, एक काम करते हैं, कल पूरे राहता गांव को कीर्तन के लिए अपनी मठी में बुलाते हैं, और मठी के पीछे से आसमान में रोशनी छोड़ देते हैं और शोर मचा देते हैं, राहता में करुणा अवतार हुआ है। क्या बात है मालसापति, तुम विचलित क्यों हो? खंडोवा के पास रहकर भी तुम्हारा मन भटक रहा है, क्यों? तुम तो बहुत भाग्यशाली हो मालसापति, ईश्वरी करुणा अवतार की कृपा हुई है तुम पर। महर्षि, मैं बहुत अभागा हूं महर्षि, करुणा अवतार का सामना भी हुआ, निकटता भी मिली, परंतु सत्य को नहीं पहचान पाया, न उनकी कोई सेवा की, नहीं पूछा। कहते हैं गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, मुझे गुरु का सहारा चाहिए, मुझे वो दिव्य आत्मा चाहिए जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे इस भव सागर से पार लगा दे। महर्षि, मेरा मन कह रहा है आपका शिरडी में प्रकट होना केवल मेरे उद्धार के लिए हुआ है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए महर्षि, मुझे इन चरणों में स्थान दे दीजिए, मुझे इन चरणों में स्थान दे दीजिए। मालसापति, तुम्हारा गुरु तो वही था जो चला गया, वही करुणा अवतार ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हें किसी दूसरे गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। किंतु वो तो शिरडी छोड़कर चले गए। व्यथित मत हो मालसापति, तुम्हारा अपने गुरु से पिछले कई जन्मों का नाता है, किंतु कई जन्मों से तुम पर उनकी कृपा नहीं हुई, किंतु अब मैं देख रहा हूं कि तुम पर गुरु कृपा होने का समय आ गया है। सच महर्षि। मालसापति, तुम्हें अपने गुरु का उपदेश भी मिला है, फिर भी तुम उस पर आचरण नहीं कर रहे। उपदेश? मुझे? कब? कब महर्षि? करुणा अवतार ने दो शब्द तुम तक पहुंचाए तो थे, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखिए और सबर कीजिए। हाँ महर्षि, परंतु मैं मूर्ख समझ नहीं पाया, खो दिया अवसर। अब महर्षि,
क्या मुझे अपने गुरु की सेवा करने का अवसर अब कभी नहीं मिलेगा? मिलेगा मालसापति, जब तुम्हारे गुरु करुणा अवतार वापस शिरडी आएंगे तो तुम्हें सेवा का अवसर अवश्य मिलेगा। महर्षि, आपके अनुसार यदि वो करुणा अवतार हैं, सिद्ध आत्मा हैं, तो उन्हें किसी गुरु, शिक्षा अथवा तपस्या की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है मालसापति, क्योंकि करुणा सागर ने मानव शरीर जो धारण किया है, मानव शरीर की अपनी सीमा एवं मर्यादा होती है, जिसका पालन हर युग में हर अवतार ने किया है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने 16 कलाओं से परिपूर्ण होने पर भी महामुनि सांदीपनि को अपना गुरु बनाया और उनके आश्रम में रहकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, तभी वो अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। महर्षि, आपके दिव्य वचनों को सुनकर मन प्रसन्न हुआ, परंतु आत्मा को शांति नहीं मिली, अपने करुणा अवतार से मिलने को बेचैन है। तुम्हारी बेचैनी को मैं समझ सकता हूं मालसापति, तुम्हारे मन में अब भी ये शंका घर किए हुए है, यदि करुणा अवतार तुम्हें भूल गए तो? हाँ महर्षि, हाँ। नहीं मालसापति, रचनाकार अपनी रचना कभी नहीं भूलता। जब भी कोई दिव्य आत्मा या स्वयं ईश्वर संसार के कल्याण के लिए आते हैं, तो उन्हें पंच तत्वों वाला शरीर, मिट्टी का चोला धारण करना पड़ता है। मानव शरीर वासनाओं से भरा है और शरीर एक बाधा है, एक दीवार है आत्मा और जीवात्मा के बीच। यदि शरीर मोह माया में बह गया तो दिव्यात्मा का संसार में आना व्यर्थ हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि माया के इस बहाव में अच्छी अच्छी सिद्ध आत्माएं भी बह जाती हैं, जैसे महर्षि विश्वामित्र बह गए थे। उस माया से बचने के लिए संसार के दुखों का, यातनाओं का उन पर कोई प्रभाव न पड़े, इस हेतु दिव्यात्माओं को अपने शरीर को तपाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तप के पश्चात उनका रूप कमल जैसा हो जाता है, पानी में रहकर संसार से वो अलग हो जाते हैं, तब वो परमहंस बन जाते हैं। कभी हजारों वर्षों में ऐसी विभूति संसार में आती है मालसापति, उन पर श्रद्धा रखिए, सबर कीजिए। तुम्हारे गुरु भी तप करने गए हैं, वो आएंगे, अवश्य आएंगे। हमारे बेटे का नाम राम कैसा रहेगा? मेरा तो ये तात्या है। तात्या? बाईसा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, वो मेरा दोस्त है ना गानिया, कल उसके बड़े भाई का जन्मदिन था, सीरा खिलाया उसने मुझे। तूने हमें बताया क्यों नहीं? ले खाना खा। मेरे बड़े भैया का जन्मदिन कब है, हम उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? वो यहाँ रहे। लक्ष्मी की माँ। योगी, योगी, योगी,
आपने मुझे पुकारा माँ? तुम हो कहाँ? मैं यहाँ हूँ माँ, लेकिन तात्या कहाँ है? तात्या? कौन तात्या? मेरा छोटा भाई माँ। अरे लेकिन वो है कहाँ? वो छिप गया है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। तात्या! तात्या! मुबारक हो भाईजान, बेटा हुआ है बेटा। लेकिन नूर भाभी, भाईजान तो ठीक है ना? हाँ। बहुत समय लग गया। हम तो डर गए थे भाईजान, भाईसा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। किसने पुकारा? मैं तो अकेला यहाँ इतनी देर से खड़ा हूँ, किसी ने नहीं पुकारा। वो तो अल्लाह जाने, लेकिन जैसे ही कमरे में तात्या की आवाज गूंजी, बच्चा हो गया। से सो रहा है, कितना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है ये। भाईजान, हमारे बेटे का नाम राम कैसा रहेगा? मेरा तो ये तात्या है। तात्या? बाईसा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, जो तुम चाहो, लेकिन हमारा तात्या है भाग्यशाली, है ना?
दबे पाओ यहाँ आ जा निंदिया हो दबे दबे पाओ यहाँ आ जा निंदिया आने जा रहा हूँ, मुझे नासिक जाना है, बहुत जल्दी है, बाद में बात करते हैं। कितना महंगा है? अरे कहाँ महंगा है, कापड़ तो देखो। अगा इस सुखदेव की बातों में मत आना नूर बहन, हमेशा सस्ता बोलता है मगर इसका भाव बाजार से भी ज्यादा होता है। अरे रे 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 भाभी, ऐसा क्यों बोलते हो, आसपास के सभी गांव में माल बेचता हूँ, सरपंच और सरपंच के पड़ोस से हमेशा 5-10 कम लेता हूँ। हाँ मुझे याद आया, वो क्या है आपने तात्या के लिए बोला था ना, देखो देखो, हाँ कपड़ा देखो, हाँ कितना मुलायम है। ये तो तात्या के लिए छोटी होगी। नहीं नहीं, तात्या तो 7 साल का है ना। क्या बात कर रहे सुखदेव चाचा, कितने साल पहले की बात कर रहे हो, तात्या भी 11 साल का हो गया है। और बड़ा चेहरो बुलाती हूँ। तात्या, अरे तात्या इधर आओ। अरे दीदी, बताओ दीदी क्या बात है। अरे देखो तो, देखा अब मैं 17 साल की हो गई हूँ, तो तात्या 11 का ही होगा ना, 6 साल बड़ी हूँ इससे। हाँ हाँ, तू अब बहुत बड़ी हो गई है, जा चूल्हे पर दाल रख कर आई हूँ, देख कहीं लग ही न जाए। हाँ हाँ अम्मी, जाती हूँ, चल तात्या। ये लड़कियाँ भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। तात्या, अरे बाड़ा लवकर ये, चल खाना खा ले। आया। बैठ। वो मेरा दोस्त है ना गानिया, कल उसके बड़े भाई का जन्मदिन था, सीरा खिलाया उसने मुझे। तूने हमें बताया क्यों नहीं, ले खाना खा ले। मेरे बड़े भैया का जन्मदिन कब है, हम उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते। वो यहाँ रहे तभी हम उसका जन्मदिन मनाए ना। तो फिर कहाँ रहते हैं वो, हमारे साथ क्यों नहीं रहते, खाना खाने भी नहीं आते हैं। वो मुझसे रूठे हैं क्या, तो ठीक है मैं उन्हें मनाऊंगा, बस आप ये बता दीजिए कि कहाँ है वो, मैं उन्हें जिद करके वापस ले आऊंगा। गब्बस रे भाड़ा, वो भी तेरी तरह जिद्दी है, चल खाना खा। अरे बेटा पानी तो पी। बस माँ मुझे खेलने जाना है। अरे तात्या दूर मत जाना। अरे भाईजा चल मुझे भी खाना दे, जल्दी। हाँ 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 लाती हूँ। हाँ आहो। हाँ पता है तात्या क्या कह रहा था। क्या वो बोलता था
वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। अपने बड़े भाई को ढूंढने जंगल जाएगा, उन्हें मनाएगा। अरे भाईजा, तू उसका ध्यान रखना, बच्चों का कुछ पता नहीं होता, कहीं वो सचमुच में जंगल में चला ना जाए। अरे ऐसे कैसे जाएगा वो? मैं कह रहा हूं ना। आहो नहीं नहीं, वो जंगल नहीं जाएगा, वो बच्चों के साथ गांव में खेलेगा। बड़े भैया, कहां हो तुम? बड़े भैया, बड़े भैया, कहां हो तुम? बड़े भैया, बड़े भैया, कहां हो तुम? बड़े भैया, बड़े भैया। ठीक है, तुम नहीं सुनते ना, तो मैं भी आज तुमसे मिलके ही जाऊंगा। मैं अब नहीं बुलाऊंगा बड़े भैया, यहीं बैठा रहूंगा जब तक आप नहीं आते। बड़े भैया, देखो मैं नाराज हो जाऊंगा, आओ ना बड़े भैया, आ जाओ ना बड़े भैया। किसे पुकार रहे हो? अपने बड़े भैया को। पहले कभी मिले हो अपने बड़े भैया से? नहीं। तो फिर उसे पहचानोगे कैसे? मैं अगर कहूं कि मैं ही तुम्हारा बड़ा भैया हूं तो तुम? नहीं आ रहा मेरी बात पर? दिखता तो बाल योगी है, लेकिन लेकिन क्या? माँ कहती है कि तुम्हें शिरडी छोड़े हुए बहुत साल हो गए हैं। जब तुम ये गांव छोड़कर गए थे तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। माँ बिल्कुल ठीक कहती है तात्या। अच्छा, अब तो मैं पैदा हो गया हूँ और देखो इतना बड़ा भी हो गया हूँ, पर तुम तो अब भी वैसे ही बाल योगी हो जैसा माँ मुझे बताया करती है। मैं 11 साल का हो गया हूँ, तो फिर तुम बड़े क्यों नहीं हुए? मैं भी बड़ा हो गया हूँ तात्या, मेरी दाढ़ी मुझे भी निकल आई है और मैं ऐसे नंगे बदन में नहीं रहता, कुर्ता पहनता हूँ। तो क्या मेरे दो दो बड़े भैया हैं? पर माँ ने तो मुझे एक ही के बारे में बताया था। नहीं, तुम्हारा एक ही बड़ा भैया है और वो मैं हूँ। असल में तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये बाल योगी का रूप धरा है, वरना तुम मुझे पहचानते ही नहीं। तो फिर मुझे अपना असली रूप दिखाओ ना भैया। ठीक है, देखो। अरे वाह भैया, तुम तो सचमुच बड़े हो गए हो। भैया, ये दाढ़ी असली है ना? अब तो तुझे यकीन आ गया ना? त-
थोड़ा थोड़ा। अगर तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दोगे तो मुझे पूरा यकीन आ जाएगा। क्या? मैंने सुना है कि तुम अंतर्यामी हो, दिल की बातें बिना कहे जान लेते हो। मुझे सब पता चल जाता है। तो फिर मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें पता क्यों नहीं चला? मुझे पता था, लेकिन मैं देख रहा था कि तुम में कितना सबर है। मैं नहीं मानता। अच्छा, आज मैं तुम्हें सुबह की बात बताता हूँ। सुबह? बताओ। तुमने माँ से पूछा था ना कि हम बड़े भैया का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते, और माँ ने कहा था कि वो यहाँ कहाँ है जो हम उसका जन्मदिन मनाएं? हाँ, यही कहा था माँ ने। तुम तो सचमुच मेरे भैया हो।